हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हर्षा, स्वागत है आपका हर्षा टेरेस गार्डन में। सबसे पहले तो मैं अपने ये सारे फूल दिखा दूं, कितने प्यारे आज टेरेस पर खिल रहे हैं। बस कुछ ही दिनों के ये मेहमान हैं, ये समझिए अभी तो विंटर आ ही गया है, तो बस कुछ दो तीन खिलते हैं। हाँ, नाग चंपा में ये एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि ये इतने अच्छे खिलते हैं ना, इनको को कोई नहीं ठंडी की है, नहीं गर्मी, नहीं बारिश। ये नाग चंपा हैं जो 12 महीना ही फूल खिलते हैं। तो आज का तो टॉपिक है कि कैसे मैं इतने कम मिट्टी में और अच्छे खासे गमले भरती हूँ, यानी बहुत बड़े बड़े अगर मुझे गमले भरते हैं भरने होते हैं ना, तो कैसे मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ। और साथ में ये मैं बताऊँगी कि इन फूलों का राज कैसे, ये इतनी बड़ी बेल है और इसमें मैंने मिट्टी, आप मानेंगे नहीं, सबसे कम मिट्टी और ना के बराबर खाद, यानी समझिए इस गमले में मैंने खाद अभी तक डाली नहीं। तो इसका आज मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं कम मिट्टी और ना के बराबर खाद डालकर भी इतने अच्छे खासे फूल आना हासिल करती हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मिट्टी कितनी, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं और टेरेस भी है, तो कम मिट्टी और हल्की मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये जो मेरा गार्डन का कचरा कूड़ा जो होता है ना, मैंने करीबन मैंने बहुत जमा करके रखा है, 4-5 पॉलीथीन जमा की हुई है। ये पूरी जो आज मिट्टी दिख रही है ना, ये पुरानी मेरी मिट्टी है जो जमा कर 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 मैं रखती हूँ। चलिए मैं हाथ में थोड़ी पॉलीथीन बांध लेती हूँ, मेरे पास ग्लोव्स नहीं है लेने हैं। तो ये किचरे में देखिए आपको, मैं तो पहले ये निकाल ही रही हूँ क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है, यानी पूरे टेरेस का कचरा जमा किया हुआ है। मैं उतार लेती हूँ, ये देखिए, यहाँ तक के बच्चे खाते हैं ना, चॉकलेट, पेपर, पॉलीथीन की थैलियाँ, कपड़े, हर चीज़ मेरी मिल जाएगी। जो भी टेरेस का कचरा होता है ना, मैं उसको बिल्कुल नहीं फेंकती इसमें हर, मतलब ये देखिए कितना सारा कचरा, पॉलीथीन वगैरह, जो पॉलीथीन वगैरह है वो मैं नहीं डालूँगी, कभी भी पॉलीथीन वगैरह नहीं डालती। हाँ, जिसमें सूखा जितना मटेरियल है, सूखे पत्ते हैं, डंडियाँ हैं, सब मैं डाल दूँगी इसमें, पता नहीं क्या क्या इसमें से निकल रहा है आज टेरेस का। तो ये इसी तरह इतनी हल्की मिट्टी बनाती हूँ ना, ये कचरा, मतलब कचरा तो साथ में है लेकिन पुराना जो गमलों की मिट्टी होती है ना, उसको भी मैं डाल देती हूँ, जमीन की निकली हुई मिट्टी है, यानी बिल्कुल कम मिट्टी में। हमेशा मैं पौधे ऐसे तैयार करती हूँ कि इतनी सारी मिट्टी कहाँ से हम लेके आएंगे। तो मेरे यहाँ हफ्ते में दो से तीन बार मैं झाड़ू जरूर टेरेस का लगाती हूँ। ऐसे पॉलीथीन भर भर कर मेरे यहाँ मिट्टी निकलती है। तो कागज़, ये देखिए कागज़ भी है, कुछ मोजरोस परा हुआ है, तो कम से कम आधे से ज़्यादा मैं इसमें कचरा भरूँगी। और ये मिट्टी भी देख रहे हैं ना, ये समझिए पुरानी जो मिट्टी मैंने पॉलीथीन भर भर के रखती हूँ, तो वही मेरा कचरा अपने आप डिकम्पोज, मुझे कुछ लग गया, शायद गुलाब की पंखन डाली थी मैंने डंडियाँ वगैरह, ये गुलाब की मुझे लग गई डंडी, शायद उसमें कांटे वगैरह होते हैं। तो देखिए कितना कूड़ा कचरा मैंने जमा किया हुआ है। ऐसे जो भी होता है मैं प्लास्टिक की भरती जाती हूँ, खास करके जो मुझे ना बड़े बड़े लगाने होते हैं ना, जैसे बहुत छोटी पौधे, यानी आज जो मैं लगाने वाली हूँ ना, वो मेरी काकड़ी की एक पौधे लगाने वाली हूँ, यानी पौध बिल्कुल छोटी है। तो उसके लिए ये पूरा पहले तो मैं कचरा पलट लेती हूँ बाल्टी में, इतनी सी मेरी छोटी सी पौध है, जब तक वो नीचे जड़ों तक पहुँचेगी ना, 2-3 महीने में ये पूरा मेरा कचरा खाद बन जाएगा। बड़े बड़े ढम, मतलब मैं कहूँगी बड़े बड़े काले मेरे पास टप है, जिसमें मैंने तुरई या दूधी वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ ना, बेल वर्गे से, ये देखिए टूथब्रश भी निकला है, पता नहीं कहाँ से टेरेस पर आ गया किसी का, आधा टूथब्रश है, मैंने तो नहीं फेंका हुआ है, चलो पड़ोसियों का हुआ, ये देखिए लगता है पड़ोसियों ने टूथब्रश करके यहीं फेंक दिया है। तो गीले पत्ते, सूखे पत्ते, जितना भी कचरा है ना, कम से कम मैं ना देखिए आधे से ज़्यादा बाल्टी तो इस कचरे की भरने वाली हूँ, और सिंपल सी एक लेयर में मिट्टी की 2 लेयर भरूँगी, क्योंकि मैं भरे भरे गमले नहीं लगाती। ऐसे नहीं कि मैं लगाती हूँ, कनेर हुआ, नाग चंपा हुआ, ऐसे जो बहुत ही हार्डी प्लांट है उनको लगाती हूँ। हाँ, जितने भी मैं बता दूँ विंटर के प्लांट है ना, तो वो मैं नहीं लगाती इस तरह कचरे में। ये देखिए मैं आपको बता दी, और ये मैंने खुद नहीं डाली है, ये काकड़ी शायद एक सीड यहाँ से गिर गया था तो अपने आप उगाए। तो फिलहाल इसमें 3 ही पत्ते हैं, इसको मुझे 4 पत्ते हैं, तो इसको आज मुझे निकालना था, तो सोच रही हूँ इस बाल्टी में डाल दूँ।
अब जब तक इसकी जड़ें नीचे जाएंगी 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 तब तक पूरा मेरा डिकम्पोज होगा, क्योंकि अभी आज मैंने बहुत सारे ना इस तरह ना सब्जियों के रिपोर्ट किए हैं, तो मैंने क्या किया था उन टप को तो मैं नीचे भरे भरे टप हैं, अब मिट्टी तो मैं खाली कर नहीं सकती हूँ, तो ऊपर ऊपर से 2 से 3 लेयर मैंने मिट्टी निकाल ली उनकी, और नीचे से मैंने सारे सूखे पत्ते डाल दिए, और ऊपर से मैंने फिर मिट्टी उसमें डाल दी, और इसी तरह मैंने दूसरी जगह भी अपनी काकड़ी की पौध डाली है, क्योंकि ये मेरी पौध मैं कहूँगी अपनी आप उग गई है, मैंने इसके सीड बिल्कुल नहीं लगाए हैं। हाँ, अगले साल जो मार्च अप्रैल में मैंने लगाए थे तो ये अपने आप हो गए हैं सीड, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये कूड़ा कचरा डाल दिया, पानी डाल दिया, अच्छी तरह मैं इसको पानी दे दूँगी और अपनी ये पौध लगा दूँगी। और अभी शाम के वक्त मैं ये काम कर रही हूँ, करीबन 4 बजे हैं तो अच्छा मौसम है, और रात की पूरी इसको ठंडक भी मिलने वाली है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं धीरे से निकालूंगी, मतलब इसको मैं देखती हूँ जड़ों को कोई ना नुकसान ना हो, धीरे से कोशिश कर रही हूँ निकालने की, कभी कभी जड़ें भी इसकी डैमेज हो ही जाए, देखिए कैसे डैमेज हो ही जाती हैं, देखते हैं जड़ें डैमेज तो नहीं हुई हैं, मुझे लगता है बहुत कम जड़ें हैं, क्योंकि 2 पौधे लगाए थे उसकी बहुत अच्छी खासी जड़ें थी, इसकी जड़ें कम ही हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी कम जड़ें हैं, अब नीचे तक जाएंगी जाएंगी तब तक तो मेरी इनको अच्छी खासी खाद तो मिलने वाली है, तो बस इसी तरह मैं अपने गमलों की मिट्टी तैयार करती हूँ। आज के लिए इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।